Hi everybody, so we have a small chapter for of clauses, है ना, ग्रामर का एक हमारे छोटा सा टॉपिक है. प्रोबेबली इट विल लास्ट फॉर 2 मार्क्स, है ना, 2 नंबर का आएगा. और क्लॉजेज बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बट मैं चाहता हूँ एक बार हम आपस में डिस्कस कर लें, एक बार आप उन क्वेश्चंस को देख लें, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट दोज आंसर्स राइट. आपके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. देखो ऐसा है, इसमें आपको जो क्लॉजेज़ हैं, अलग अलग तरह के क्लॉजेज़ हैं, आपको वो पता होना चाहिए उनका क्या अर्थ है और उनको कैसे यूज़ करना है. दैट है, वाई है, व्हेन है, हु है, हुम है, विच है. सो यू हैव टू नो हाउ एंड व्हेन टू यूज़ देम, एंड ऑल्सो आपको उनको कहाँ कैसे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए. साथ में दो सेंटेंसेस वो देंगे आपको, दे विल गिव यू 2 सेंटेंसेस एंड यू विल हैव टू सिंथेसाइज दोज 2 सेंटेंसेस बाय ए क्लॉज. आपको क्लॉज भी दे देंगे वो, और आपको दोनों वाक्यों को उस क्लॉज से जोड़ना होगा. ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट, एक बार कर लेते हैं. तो जितना हम एग्जांपल्स करेंगे, है ना, तो मैंने ये आपको क्लासेस में भी डिस्कस करता हूँ कि रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. रूल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिस. जितना आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल लर्न दोज रूल बाय प्रैक्टिस. वो जो नियम हैं वो आप प्रैक्टिस के द्वारा आत्मसात कर लोगे, और तब वो आपके आंसर्स ग्रामर के बिल्कुल सही होते चले जाएंगे. तो चलो लेट्स स्टार्ट फॉर. देखो द फर्स्ट इज शी इज श्योर दैट वेयर एंड विच ही विल मेक ए मिस्टेक. शी इज श्योर, अब हमें इन्होंने 3 क्लॉज दिए हैं, दैट वेयर और विच, है ना, जो कि जहाँ और जिसे. देखो इसमें क्या एक फ़र्क होता है, जैसे वेयर अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो उसका मतलब कहाँ होता है, लेकिन जब क्लॉज में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब जहाँ होता है. विच है किसे होता है, विच विच का तो वो जिसे होता है. सो ये अलग क्लॉज में यूज़ करते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है. ओके okay. सो देखो शी इज श्योर दैट वेयर विच में से यूज़ करना है, ही विल मेक ए मिस्टेक, वो आश्वस्त थी कि वो गलती करेगा. तो देखो इसमें दैट का प्रयोग होगा, शी इज श्योर दैट, क्योंकि ना वेयर इसमें आएगा कहाँ या जिस जहाँ या जिसे नहीं आएगा वो आएगा, तो इसमें दैट आ सकता है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, और या हु नहीं, अगर हु होता तो हु भी आ सकता था. हु और दैट बहुत जगह इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है, और मोस्टली अगर पर्सन यूज़ किया जाता है तो उसमें हु का प्रयोग किया जाता है. एग्ज़ाम में हु का प्रयोग ज़रूर आता है, याद रखना. इफ़ ए पर्सन इज यूज, आदमी का प्रयोग हुआ है ना, व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हु का प्रयोग किया जाएगा. नाउ सेकंड, डू यू वांट टू नो वेयर हाउ व्हाई द ट्रेन कम्स लेट, क्या तुम जानते हो कि ट्रेन लेट आई है. तो इसमें देखो वेयर का मतलब अपने को पता ही है, कहाँ कैसे और वाई क्यों. तो डू यू वॉन्ट टू नो इसमें क्या आएगा आंसर, डू यू वॉन्ट टू नो वाई द ट्रेन केम लेट, क्यों ट्रेन आई, है ना. देखो दे आर वेरी इजी, बहुत सारे दो देते हैं उनमें, एक तो बहुत इजी होता है, दूसरा थोड़ा सा टिपिकल होता है. ये क्वेश्चन बनाने वाले का एक पैटर्न होता है, सारे क्वेश्चन वो इजी नहीं देता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी जरूर देता है, डिफिकल्टी लेवल के देता है, ठीक है. नाउ थर्ड इज डू यू नो वॉट इफ विच He has passed the exam. Do you know? क्या तुम्हें पता है? What का मतलब क्या, if का मतलब यदि, which का मतलब जिसे. He has passed the exam. तो देखो do you know? क्या तुम्हें पता है कि उसने, कि क्या उसने exam pass किया. तो if का मतलब condition के लिए if को use किया जाता है. If is a condition. ये whether भी कर लेते हैं, WHETHER. तो क्या उसने परीक्षा पास की है. Now the next fourth is the earth moves round the sun, my teacher told me. देखो एग्जाम में इस तरह के आते हैं, वो आपको एक क्लॉज दे देगा और आपको उस क्लॉज से 2 सेंटेंसेस को जोड़ना होगा. तो देखो ये जो है इसमें उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको दैट से जोड़ना है. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई है. दैट से यूज़ दैट क्लॉज को यूज़ करके इन दो वाक्यों का आपको एक वाक्य बनाना है. तो
इसमें हो जाएगा, देखो, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो इसमें एक बिल्कुल ले मैन रूल, आप बिल्कुल अज्ञानी, आपको बिल्कुल कुछ ब्लैंक हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, उस कंडीशन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो ऐसा करना, दो वाक्य दिए उनके बीच में क्लॉज को लगा देना। वो तो उस कंडीशन में जब कुछ समझ में नहीं आता हो तब इसको, जैसे इसमें दैट का प्रयोग किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो, हु रॉट द रामायण, रामचरित मानस, कैन यू टेल मी, हु का प्रयोग करना है। तो देखो इसमें होगा कैन यू टेल मी हु रॉट द रामायण, कैन यू टेल मी हु रॉट द रामायण। तो देखो हु का मतलब यहाँ किसने होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसमें, कैन यू टेल मी हु रॉट द रामायण। अब देखो इसमें थोड़ा इनको देखने, इनके मीनिंग जो है, देखो हु का मतलब होता है क्लॉज के रूप में जो या जिसने, ये हु का प्रयोग भाई जरूर आता है एग्जाम में, याद रखना, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है हु, है ना। दैट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है हु। अगर आपको पर्सन दिखाई दे, हु जरूर प्रयोग करना है उसका एग्जाम में, बार बार हु का प्रयोग पूछा जाता है। नाउ हुम, जिसे या जिसको, ये क्लॉज का अर्थ है। हुज, जिसका, जिनका, जिसकी। विच, जिसका, जिसकी। वॉट, जो। वेन, जब, जिस समय। वेयर, जहाँ। देखो वेयर का जहाँ अगर वो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन अगर वो क्लॉज बन जाता है, दो वाक्यों के बीच में आता है, तो उसका मतलब जहाँ होता है। वाई, की, क्यों, ठीक है। अनदर प्रैक्टिस, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, तो इनमें क्या है, देखो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको अपने को जोड़ना है, ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें क्या, हमें एक विशेषण वाली क्लॉज लगा के वाक्य को जोड़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो द टाइम, इसको अपने को जोड़ना है। अब इसमें उन्होंने बताया नहीं है तो आप हम यूज़ कर सकते हैं इसको, अपना मनचाहा क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो द टाइम, तो सेकंड वाक्य को पहले लिख किया उन्होंने, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय ब्रदर विल कम। देखो बहुत सी बार तो क्या होता है, जब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो सेकंड वाक्य पहली बार आ जाता है, बीच में दैट लग जाता है, वो क्लॉज लग जाता है, और दूसरा वाक्य बाद में आ जाता है। सबसे सरल, दोनों वाक्यों के बीच में क्लॉज लग जाता है। और अब ये और देखेंगे, जब एक वाक्य का पहला हिस्सा लेते हैं, दूसरे वाक्य का अंतिम, और बीच वाला बाद में डालते हैं, तो ये वाक्य बनाने के अलग अलग तरीके हैं और सभी तरीके सही होते हैं, ठीक है। नाउ देखो द अनदर क्वेश्चन, द पेन इज माइन, इट इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें इन्होंने बताया नहीं है तो पेन, ये मैं, पेन मेरा है और ये टेबल पे। देखो ये ध्यान रखना, दो वाक्य हैं उनका आपको एक बनाना है, ये ध्यान रखना, एक पूरा वाक्य बना के फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। तो इसमें होगा द पेन विच इज माइन इज ऑन द टेबल, द पेन विच इज ऑन द टेबल, सॉरी, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ठीक है। या द पेन विच इज माइन इज ऑन द टेबल ऑल्सो, ये भी करेक्ट है। देखो इसमें क्लॉज में क्या होता है, आपको वो लिबर्टी होती है, आपको दो तीन तरह से उसको बना सकते हैं, आगे हम देखेंगे एक को अपन कितनी तरह से बना सकते हैं, तो इसमें आपको लिबर्टी होती है। अच्छा अगला है, रमेश इज़ ए गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, रमेश एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। अब देखो हु मैंने आपको जैसे बीच में बताया था, हु का प्रयोग सबसे ज़्यादा आता है, रमेश लिया आगे का सब्जेक्ट और उसको सेकंड वाक्य से जोड़ दिया, रमेश हु जो कि बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली इज ए गुड बॉय, एक तो इस तरह का बन गया, ये देखो, रमेश हु बिलोंग्स टू ए
गुड फैमिली इज ए गुड बॉय। अच्छा दूसरा अथवा में आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, रमेश हु इज ए गुड बॉय बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। रमेश आप ऐसे भी बना भाई, आप सिंपल ले लो, या तो वाक्य को बीच में हूँ से जोड़ दिया, या पहला सब्जेक्ट लिया दूसरे वाक्य का लिया बीच में हूँ से जोड़ा, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको दो तरह से बना सकते हो। आगे देखो, आई हैव ए डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल, मेरे पास एक कुत्ता है बहुत वो वफादार है, आप इसको जोड़ना है तो जो की है ना, जो की तो हम इसमें क्या लगाएंगे, देखो अब जानवरों के लिए हो नहीं लगा तो ध्यान रखना, तो जानवर के लिए हम विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। आई हैव ए डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, हमारे पास एक कुत्ता है जो बहुत फेथफुल या वफादार है। अगला देखो, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर ही इज़ माई ब्रदर, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है वो कौन है, वो मेरा भाई है, तो हम इसको हु से, अगेन पर्सन हो तो हु से कर लेंगे। देखो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर, या देखो अभी हमने जो बात की थी वो एक तो ये बन गया, दूसरा द बॉय हु इज़ माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक वाक्य को दोनों दो तरीके से बनाया जा सकता है और दोनों सही हैं। अगला देखो, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, डू यू नो द रीज़न, वो आज स्कूल नहीं आया, आप क्या कारण जानते हो, तो डू यू नो द रीज़न वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल, हमने डू यू नो द रीज़न से लिया और Do you know the reason से लिया, why he did not come से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अगेन देखो अगला है, विल यू गिव मी द वॉच इट इज ऑन द टेबल, तो इसमें हो जाएगा विल यू गिव मी द वॉच दैट इज ऑन द टेबल, जो कि कहाँ है, टेबल पे है, दैट की जगह विच का भी प्रयोग हो सकता है, विच इज ऑन द टेबल, जो कि दैट और विच आर इंटरचेंजेबल, दोनों को बदला जा सकता है। अगला देखो, आई बॉट ए पेन फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट ए फ्यू डेज बैक, इसमें विच का प्रयोग, द आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई हैव बॉट ए फ्यू डेज बैक, ये हो जाए। ओके नेक्स्ट लाइन, द बुक इज इन माई हैंड आई लाइक इट मोस्ट, जो किताब मेरे हाथ में मैं उसको बहुत अधिक पसंद करता हूँ, द बुक विच आई लाइक मोस्ट इज इन माई हैंड, विच का प्रयोग कर लेंगे, किताब जो किताब मुझे बहुत पसंद है वो मेरे हाथों में है। अच्छा, द डॉक्टर इज फेमस, डॉक्टर प्रसिद्ध है, शी विजिटेड हिम, वो उनके पास दिखाने गई थी, इसमें होम का प्रयोग किया है, होम जिसको बोलते हैं, देखो द डॉक्टर होम शी विजिटेड, होम शी होम मतलब जिसको, डॉक्टर जिसके पास वो गई थी दिखाने इज फेमस, वो प्रसिद्ध है। अब देखो अगले हैं, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, इसमें हमें उन्होंने क्लॉज नहीं दिया था, अब अगले में क्लॉज दे रहे हैं, मोस्टली वो क्लॉज देते हैं बनाने के लिए। देखो फर्स्ट है, राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल, राजवीर जो है आवश्यक जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, ही इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, वो प्रत्येक के द्वारा पसंद किया जाता है, और अब इसमें क्लॉज कौन सा है, हु, अपने को हु से इसको जोड़ना है, इसमें हो जाएगा राजवीर हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी हेल्प्स नीडी पीपल, राजवीर जो सब्जेक्ट के बाद में हु लगा देंगे, राजवीर जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है, पर्सन के साथ में हु लगाना है, वो नीडी लोगों की मदद करता। अगला है, हरी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड यू लाइक हिम, हुम मतलब जिसको, हरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसको पसंद करते हो, तो ये हो जाएगा हरी, सब्जेक्ट लिया फिर हुम लगा के यू लाइक हिम इज माय बेस्ट फ्रेंड, हरी होम यू लाइक इज माई बेस्ट फ्रेंड, हरी होम यू लाइक, होम मतलब जिसको तुम है ना पसंद करते हो मेरा दोस्त। अगला देखो, द बॉय वाज इंटेलिजेंट, लड़का बहुत बुद्धिमान था, ही टॉप्ड द क्लास, और उसने क्लास को टॉप किया, इसको हु से जोड़ना है,
तो इसमें हो जाएगा द बॉय लिया, फिर वो अगले वाक्य का अंत का ऑब्जेक्ट ले लिया, द बॉय हु टॉप्ड द क्लास वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, बेसिकली ये आप सब्जेक्ट लो, अगले वाक्य का ऑब्जेक्ट लो और उसको क्लॉज से जोड़ के बना दो। द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम द मोस्ट। हूँ वही जिसको जो स्टूडेंट है वो मॉनिटर और तुम उसको बहुत पसंद करते हो, होम से करना है। द स्टूडेंट होम यू लाइक द मोस्ट इज द मॉनिटर, है ना, वही पैटर्न है। पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिया, दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिया, क्लॉज से जोड़ दिया। ठीक है, द स्टूडेंट होम यू लाइक द मोस्ट इज मॉनिटर। नाउ देखो, फ्रेंच बिकेम केयरलेस केयर सॉरी फ्रेंच बिकेम केयरफुल लेटर, पहला वाक्य है। ही वॉज ए लिटिल केयरलेस इनिशियली, इनिशियली होता है शुरुआत में, हु जो कि, तो देखो फ्रेंच आपकी ये टेक्स्ट बुक का है, द लास्ट लेसन में आपके फ्रेंच था, है ना, याद आ गया होगा अपन ने जब किया था, फ्रेंच कौन था, क्या था, कैसे था, है ना, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो हु से करना है, फ्रेंच हु वॉज ए लिटिल केयरलेस इनिशियली, फ्रेंच जो थोड़ा सा लापरवाह था शुरुआत में, बिकेम केयरफुल लेटर, वो बाद में केयरफुल हो गया। ठीक है, हु से इसको जोड़ दिया। आगे देखो, सिक्स टाइम, मॉरली साउंड पीपल होम सोसाइ सॉरी पहले क्वेश्चन देखें, मॉरली साउंड पीपल आर वेरी फ्यू, जो नैतिक रूप से अच्छे लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, सोसाइटी लाइक्स देम, समाज उनको पसंद करता है। तो देखो इसको होम से जोड़ना है अपने को, तो मॉरली साउंड पीपल होम सोसाइटी लाइक्स, नैतिक रूप से अच्छे लोग जिनको सोसाइटी पसंद करती है आर वेरी फ्यू। ठीक है, होम जिसको, तो होम सोसाइटी लाइक्स से जोड़ देंगे। अब 17th देखिए, स्टूडेंट्स अचीव देयर टारगेट्स, फर्स्ट सेंटेंस है, दे आर लेबर सम, हु मतलब स्टूडेंट अपने जो टारगेट हासिल करते हैं, पहला वाक्य, वो लेबरसम या परिश्रमी होते हैं, हु से जोड़ना है। तो देखो वही जब हु से है, स्टूडेंट्स हु आर लेबरसम अचीव देयर टारगेट्स। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स लेके क्लॉज लगाया, ठीक है, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लेके उसको जोड़ दिया, स्टूडेंट्स हु आर लेबरसम अचीव टारगेट्स, अचीव देयर टारगेट्स। ठीक है, लास्ट, टीचर्स आर सोसाइटल असेट्स, समाज की बड़ी बड़ी संपत्ति होती है अध्यापक, द सोसाइटी अवार्ड्स देम, और जो सोसाइटी उनको पुरस्कृत करती है, इसको होम से जोड़ना है एक्चुअली, टीचर्स होम द सोसाइटी अवार्ड, अध्यापक जिनको समाज पुरस्कृत करता है आर सोसाइटल एसेट, वो समाज की परिसंपत्ति होते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा 2 नंबर का ही है और इसमें आपको याद रखना है, देखो जोड़ना किससे है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वो देते हैं, हु का प्रयोग बहुत आता है, होम का बहुत आता है, हु है, हुम है, व्हाट है, व्हाई है, दैट है, बिकॉज है, इनके प्रयोग मोस्टली आते हैं। तो देखो इसमें फिर वही आपको मैं बताऊं, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो अटेम्प्ट तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, और नहीं आता है आपको क्लॉज में तो दोनों वाक्यों के बीच में जोड़ देना, पहली बार आना ही चाहिए पहली बार तो, लेकिन अगर मान लो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, बाकी कुछ भी नहीं है, हु है व्यक्तियों के लिए, हु का प्रयोग होता है, विच है पशुओं के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, विच का या दैट का प्रयोग होता है, होम जिसको को बोलते हैं, हु व्यक्ति के संदर्भ में आता है, व्हाट क्या है, व्हाई क्यों है, समय के लिए आए, तो आपको परिस्थिति के अनुसार वाक्य बना के उनको क्लॉजेस का प्रयोग करना है, 2 सेंटेंसेस हैं उनको एक बनाना है, क्लॉजेस का प्रयोग करना है, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बना रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत फ्री के नंबर हैं, लेकिन 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 अगर प्रैक्टिस नहीं की तो ये भी गलत हो सकता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत इजी चैप्टर को हम बहुत लाइटली लेते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों ये मैंने एक छोटा वो दिया है आपको ग्रामर का चैप्टर, कल मैं आपको कुछ और छोटे छोटे जो हैं जिनमें इजीली मार्क्स आ जाते हैं ग्रामर के, वो
वो दूंगा, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम आपका है बिल्कुल ठंडे दिमाग से, संतुलित दिमाग से, और अपना कर्म कीजिए और अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। वेरी वेरी गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।